राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हां साथियों, ये देख लीजिए, हरियाणा में बुरा हाल, कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। जी हां साथियों, ये बात बिल्कुल सच है साथियों। ऑल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी के सभी कर्मचारी कभी कोई हड़ताल पर, कभी कोई हड़ताल पर। तो ये देख लीजिए साथियों, आपको पूरी खबर बताऊंगा हर जगह की कि हरियाणा में क्या हालात चल रहे हैं और कहां कहां कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। ये देख लीजिए साथियों, ये देख लीजिए, एक तो निकाय कर्मचारी आज से शुरू करेंगे कार्मिक भूख हड़ताल। ये देख लीजिए साथियों, चंडीगढ़ से खबर आई है, हरियाणा के 11 नगर निगमों और 21 नगर परिषदों और 55 नगर पालिकाओं और अग्निशमन विभाग के हजारों कर्मचारी मंगलवार से अपने कार्यालयों के समक्ष 2 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल शुरू करेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ प्रदेश के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं कर रही। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम पर वर्षों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों से पक्का करने का अधिकार छीना जा रहा है। महासचिव मांगे राम तिगरा ने बताया कि कार्मिक हड़ताल के बावजूद सरकार के कर्मचारियों की लंबित मांगों को गंभीरता से लिया। 23 व 24 मई को 2 दिवसीय टूल डाउन व पेन डाउन हड़ताल की जाएगी, अगर गंभीरता से नहीं लिया तो। ये देख लीजिए साथियों। और दूसरी खबर साथियों, स्वास्थ्य विभाग में जो हटाए गए कर्मचारी थे साथियों, जो कोविड के टाइम में हमारे काम आए थे और एक वॉलंटियर का काम किया था साथियों, ये देख लीजिए, उनके लिए स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए कोविड-19 के कच्चे कर्मचारियों को अभी तक भी धरना उनका जारी है साथियों। उनको कहीं पर भी नहीं लगाया गया है और अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, वो भी अब बंद होने वाला है, उसमें भी अब कोई नहीं जाता साथियों। ये देख लीजिए, अस्पतालों के चक्कर काट रहा था, कहा कि 17 मई को डायरेक्टर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा पंचकुला में होने वाले विरोध प्रदर्शन में कुरुक्षेत्र में सभी हटाए गए कर्मचारियों के साथ सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ये देख लीजिए साथियों, 17 मई को फिर ये हड़ताल करने जा रहे हैं और अभी भी इनकी हड़ताल जारी है, इनको लगाया नहीं गया है। आगे देखिए, कर्मचारी भी कुछ दिन में हड़ताल पर आने वाले हैं, देख लेना। भर्ती परीक्षा नए सिरे से होगा जारी, अभी 4800 ये जो LTC लगे थे इनके ऊपर भी अब तलवार लटक गई है साथियों। इनका भी दोबारा से रिवाइज रिजल्ट होगा और इनके जो दस्तावेजों की जांच है वो दोबारा से होगी और जो अंगूठे और जो चेहरे का निशान है वो भी दोबारा से मिलाया जाएगा। अब ये कुछ दिन में ये देख लेना, ये भी हड़ताल पर होंगे। आगे देख लीजिए साथियों, असल में तो ये कोई भर्ती निकालते नहीं और जैसे निकाल देते हैं तो उस पर ये देख लीजिए, LTC की परीक्षा हुई थी 11 एडवर्टाइज 2019, आपको भी पता होगा साथियों, बिजली विभाग में ये वैकेंसी आई थी, LTC की पोस्ट पे आई थी साथियों, ठीक है, HBVN में भी आई थी और DHBVN में भी आई थी LTC के बेस पे। तो देख लीजिए, CM फ्लाइंग ने जांच की थी तो एक पर मुकदमा दर्ज हो गया है, सितंबर 2021 में मुकदमा दर्ज करवाया था और उन्होंने बताया था कि 11 2019 की जो परीक्षा थी उसमें पेपर लीक में नौकरी दिलाने के नाम पर शिकायत की थी कि उनसे पैसे लिए गए थे, पेपर आउट पर लगवाया नौकरी और 8 लाख रुपये लिए थे, ठीक है साथी। और उसको कहा गया था कि अगर कोई दूसरे बच्चे को कैंडिडेट को भी लेकर आता है तो उसको कमीशन दिया जाएगा। तो इस इन्होंने सचिन से मुलाकात की और पेपर आउट कर नौकरी लगवाने के बारे में बताया और जो उन्होंने पेपर में बताया था, जो उन्होंने अलग से पढ़ाया था, वही पेपर में सारे क्वेश्चन आए थे। तो ये देख लीजिए साथियों, इस पर भी एक केस अब होने वाला है। अब ये देख लीजिए, इसमें भी अब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, 65% पद खाली पड़े हैं। ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा के अंदर कितना बुरा हाल होता जा रहा है, 65% पद खाली। अब आप सोच सकते हैं 65% कितने होते हैं साथियों, 100 में से 65 पद खाली हैं, सिर्फ 35 ही व्यक्ति उन पर काम कर रहे हैं अभी तक। ये देख लीजिए, पदोन्नति के जरिए नहीं भर रहा, इसके प्राथमिक स्कूलों में वशिष्ठ शिक्षकों पर ही काम का बोझ पड़ रहा है, जो लगे हुए हैं ना 35 शिक्षक, सिर्फ उन पर ही काम का बोझ पड़ रहा है और 65 को नौकरी नहीं दे रहे, ठीक है साथियों। ये देख लीजिए साथियों, बुरा हाल हो गया है। महासचिव तरुण सुहागण ने स्कूलों में अनेक समस्याओं से जूझ रहे, आज भी दाखिला पोर्टल ढंग से नहीं चल रहा, ठीक है, और दाखिला पोर्टल पर बिना किसी आदेश के परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता शर्त लगाने से समस्या खड़ी हो गई है। ये देख लीजिए साथियों, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को किताबें भी नहीं मिल रही और करोड़ों रुपए की राशि रुकी हुई है, वो जारी नहीं हो रही। तो देख लीजिए साथियों, हरियाणा के अंदर बुरा हाल है, हर तरफ हड़ताल ही हड़ताल कर रहे हैं कर्मचारी। और कल ट्विटर पर एक कैंपेन भी चलाई थी साथियों, जो ब्लैक डे मनाया गया था, वो ब्लैक डे चला था साथियों,
तो उसमें भी काफ़ी साथियों ने हिस्सा लिया और उसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई कि उसका क्या बेनिफिट हुआ। तो ये देख लीजिए साथियों, हर तरफ हड़ताल का माहौल है। तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।